नमस्कार भारत 360 को स्वागत करुछि मु स्मृति लग्नान। नक्सलक टार्गेट प्रधानमंत्री पुणि थरे घटिबो राजीव गांधी हत्या भली एक अघटन। नक्सलक ए षडयंत्रर पर्दाफाश करिछि पुणे पुलिस। जबत होइछि एमिति एक चिट्ठी जहाँ एवं तदंतकारी संस्था गुडीकर होश उड़ाइ देछि, जेउथरे स्पष्ट भाबर उल्लेख रहिछि जे पुणि थरे घटिबो राजीव गांधी हत्या भली घटना। भीमा कोरीगांव हिंसा रे संप्रक्त पांच जनक गिरफ करिबार दुई दिन परे ए चांचल्यकर चिट्ठी को जबत करिछि पुलिस। खाली चिट्ठी काहे कि एक पेन ड्राइव हार्ड डिस्क अन्य किसी डॉक्यूमेंट जबत कर पुलिस। भीमा कोरेगांव हिंसा मामला, राजीव हत्याकांड भली षडयंत्र, अभियुक्तक घरु मिलला चिट्ठी, प्रधानमंत्री को टार्गेट करने को योजना। चिट्ठी देखी तदंतकारी संस्थार उड़ीगला होश। महाराष्ट्र पुणेर भीमा कोरेगांव रे सृष्टि होइतिबा हिंसा मामलें प्रतिदिन हेउछि नुआ नुआ खुलासा, किंतु एथर जे खुलासा होइछि सेथिरु देशर सुरक्षा एजेंसी गुड़िक हो जाइछन्ति स्तब्ध। आज्ञा हाँ, ए मामला रे गिरफ अभियुक्तक घरु पुणे पुलिस जबत करिछि प्रधानमंत्री को हत्या पई करा जाइथिबा षडयंत्रर चिट्ठी। बुधवार पुलिस रोना जैकब विल्सन, सुधीर ढाबले, सुरेंद्र गार्डलिंग समेत पांच जन को गिरफ करिथिला। विल्सन को दिल्ली रु गिरफ करा जाइथिबा बेले ढाबले को मुंबई रु, गार्डलिंग समाज सेन और महेश राउत को नागपुर गिरफ्त कर पुलिस। पुलिस कहवा अनुसार अभियुक्त रोना जैकब विल्सन दिल्ली घर मिली चिठी। चिठी में राजीव गांधी हत्याकांड भली योजनार उल्लेख अच्छी। चिठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टार्गेट करने को कहुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो में टार्गेट करने को योजना। चिठी में M4 राइफल और अस्त्रशस्त्र 8 कोटी मगा जा। सीपीआई माओवादी मिलिंद तेलदुम्बड़े यही चिट्ठी पठाई। नहीं देखो, ग्रामीण भाग का तो वो पूरा गढ़चिरी उधर से इलाके से संबंधित है, लेकिन अर्बन माओइज्म का ये जो है कि अर्बन माओइज्म इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल माओइज्म, और विदाउट अर्बन टैक्टिक्स वो पूरी जो उनकी जो उनका जो फाइनल कंसेप्ट है रिवोल्यूशन का, वो कामयाब नहीं होने वाला है। इसलिए जो सिटीज में, जो अर्बन एरियाज में जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स है, उनको इन्होंने टारगेट किया है और इनके बीच में इन्फिल्ट्रेट करके उनको ऑर्गेनाइज करने की उनकी कोशिश जारी है, जिसमें कि स्टूडेंट का जो एक ग्रुप है, जो एजुकेटेड यूथ है, पर्टिकुलरली ये एजुकेटेड यूथ इज वल्नरेबल। अब जो भी सिस्टम के अपने फॉल्ट्स होंगे क्वाइट पॉसिबल, तो उसको हाईलाइट करते करते दे आर ट्राइंग टू रिक्रूट देयर काडर्स फ्रॉम द अर्बन एरियाज। पुलिस को जो चिट्ठी मिली सेथिरे लिखा अछि जे मोदींक पाई 15 रु अधिक राज्य रे बीजेपी सरकार करिछि, आउ जदि एमिति चले माओवादी दल पाई समस्या छिड़ा हेबा को आरंभ करिबो। सेमाने राजीव गांधीक भली घटना दोहराइबा बाबद रे चिंता करुछंती। तांको रोड शो को टार्गेट करिबा प्रभावशाली रणनीति हेबो। चिठी को नै खुलासा परे कोर्ट रो दुहाई दे किछि भी कहबा को मना करिछि सीपीएम, आउ कांग्रेस एहाकु बीजेपी रो पॉपुलैरिटी स्टंट बोली कहछि। मैं कैसे पता है कि कोर्ट कचहरी वो बात को सुन रही है, उसको सुनने दे ना, बताए तब पता चलेगा असलियत क्या है। पूरे गांव के संदर्भ में विशेषकर पुलिस और जांच एजेंसियों की तरफ से बहुत सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है भी कहना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से एक उनकी आदत है और तब से एक ट्रेंड चल रहा है कि जब जब उनकी लोकप्रियता नीचे जाती है, तब तब वो एक इस प्रकार की खबरें प्लांट कराते हैं कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। गिरफ्त होइतिबा अभियुक्तक ऊपर प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवाद सह जोड़ी हेबा, विवादीय पत्र बांटिबा एवं घृणा सृष्टिकारी भाषण देबार अभियोग अछि। ए चिट्ठी आधार रे पुलिस कोर्ट को अवगत कराइछि। एही पांच जन अभियुक्तक 14 जून जाए पुलिस हेफाजत को पठाई दिया जाइछि। आउ एबे होई पारे मामला रे बड़ खुलासा। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोध में नक्सलों षड्यंत्र पर्दाफाश पर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मिली नक्सलों धमकपूर्ण चिठी। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय ठिकणा नक्सलों दुईट चिठी आसी, जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और परिवार विरोध में षड्यंत्र हत्यार धमक दी जमापड़ राज्य गृह मंत्रालय हिसाब से नक्सलों चिठी में गडचिरोली एनकाउंटर घटनार उल्लेख रही जो 38 नक्सल निहत होते तेज ए दुई चिठी मिलवा पर मुख्यमंत्री भवन और कार्यालय सुरक्षा को बढ़ाई दिया जाएगी। सबटे पुलिस चिट्ठी को नहीं तदंत आरंभ कर।
गंगाधर राव फडणवीस नागपुर आयोजित आरएसएस कार्यक्रम में सामिल हेले पूर्वतन राष्ट्रपति प्रणब मुखार्जी हेले वर्तमान प्रणब मुखार्जी एक फोटो को नहीं विवाद बढ़ी चली गतकाली आरएसएस कार्यक्रम में सामिल होवा समय प्रणब मुखार्जी आरएसएस शैली में अभिवादन ग्रहण करुथिबा एक फोटो सोशल मीडिया रे वायरल हेला प्रकृत में प्रणब मुखार्जी एभली किछि करि नथिले फोटो को एडिटिंग करि सोशल मीडिया रे छोडा जायछि याकु नै आरोप प्रत्यारोप लागि रहिछि प्रणबकर झियो शर्मिष्ठा कहिछन्ति एभली किछि घटिबो बोली पूर्वरु मु तांकु सतर्क कराइथिलि सपटे आरएसएस पक्षर कहा जाइछि संघर कार्यक्रम रे प्रणबकर योगदान को विरोध करथुवा लोक माने एभले को निंदनीय कार्य करी आरएसएस को बदनाम करिवा पई सतो चेष्टा करछन्ति परवर्ती खबर को में आसीबा उत्तर प्रदेश कानपुर रा हेलट हॉस्पिटल रे अघटन होईछि गुरुवार राती रे हठात आईसीयू रा एसी खराब हो जायथला चार जन रोगी को जोथरे मृत्यु होईछि आईसीयू रे थिबा अन्य सात जन रोगी को अन्यत्र करा जायछि स्थानांतर आ समान को चिकित्सा चालीछि हॉस्पिटल पक्षरु घटनार तदंत निर्देश दिया जायछि डाक्टर माने किछि अलगा बयान दे कहिछन्ति जेउ चार जन रोगी को मृत्यु होईछि समान को स्वास्थ्यावस्था अति संकटापन्न थिला सबटे रोगी को संपर्क माने कहिछन्ति एसी खराब नै पूर्वरु अभिजोग मध्य होईथला किंतु यहाको के गुरुतर सहित ग्रहण कले नाही एसी खराब थिबारो वेंटिलेटर समेत अन्य किछ मशीन काम कलानी ए समय रोगी संपर्क माने बिंचणा रे बिंचिबा छडा आउ किछ उपाय पाइ नथिले किंतु रोगी जीवन बंचाई पारले नाही सबटे घटना को अति गुरुतर सहित नै जिला प्रशासन पक्षरु तदंत निर्देश दिया जाय छी परेशानी ये आ रही है सर यहाँ पेशेंट मर रहा है तो मर ही रहा है बिल्कुल मतलब यहाँ ए सी वेसी तो बिल्कुल नहीं चल रहा है सर बता रहे हैं ना 22 तारीख से हम फैन लेके आए हुए हैं सर कभी घंटे के भी दो घंटे चल जाता है जब डॉक्टर की एंट्री होती है तब तो चलता दिखता है जब हाँ बिल्कुल एकदम से खराब है सर चार पाँच दिन हो गए पंखा कहीं पंखा अलाउ नहीं है यहाँ चला ए सी चले नहीं रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता काली चीन गस्त करिबे युहान रे हेबा कोथबा सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बा एससीओ रो सम्मेलन रे जोग देबे मोदी एथि सहित चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग को सहित साक्षात करिबे उभय देश भितर विभिन्न प्रसंग को नै द्विपाक्षिक आलोचना हेबो पूर्ण सदस्यता पाइबा परे प्रथम थर पई भारत एभली एक सम्मेलन रे भाग नेबो पाकिस्तान मध्य ए सम्मेलन रे पूर्ण सदस्य भाव रे भाग नेबो बोली चीन रे थिबा भारतीय राष्ट्रदूत सूचना देछन्ति हरियाणा राज्य प्रोफेशनल खेलाड़ी माने सेमानकर आयर 33% क्रीड़ा विभाग को देबे आउ ए अर्थरे राज्य रे अन्य खेल आउ खेलाड़ींकर करा जीव विकास हरियाणा सरकार क्रीड़ा विभाग रे एभळी एक अजब विज्ञप्ति को नै देखिबा को मिलिछि विवाद राज्य ओलंपियन कुश्ती तारका माने यहार विरोध करबा पारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एहा उपरे रोक लगाइछन्ति राज्य प्रोफेशनल खेलाड़ी हरियाणा सरकार अजब नियम खेलाड़ी निज आयर 33% क्रीड़ा विभाग को देवाई सचिव अशोक खेमका जारी करिछन्ते एक अजब विज्ञप्ति जहाकु नै सृष्टि होइछि विवाद सेपटे निर्देशनामा उपरे हरियाणा क्रीड़ा मंत्री अनिल बिज कहिछन्ति जे एथिरे किछि नुआ कथा नाही तेबे एहाकु नै विवाद देखा देबा परे मुख्यमंत्री एही विज्ञप्ति उपरे रोक लगाइछन्ते एमेच्योर स्पोर्ट्स की अचीवमेंट के आधार पे उन्हें सरकार ने नौकरी दी है शायद ये पहली सरकार है जिसने पेशेवर स्पोर्ट्स और कमर्शियल एंडोर्समेंट करने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो हरियाणा सरकार में नौकरी कर रहे हैं उनको इजाजत दी है जो सरकारी कर्मचारी है और उसकी बोली लगती है और खेलता है और पैसे कमाता है तो उसको ऊपर है और वो पैसा भी जो स्पोर्ट्स फंड में जमा कराया जाएगा और वो स्पोर्ट्स फंड भी खिलाड़ियों पर खर्च किया जाएगा सरकार को एपरी निर्देशनामा उपरे विचार करबा उचित बोली कहिछन्ते ओलंपिक पदक विजेता कुश्ती खेलाड़ी सुशील कुमार अन्यतम ओलंपिक पदक विजेता कुश्ती खेलाड़ी जोगेश्वर दत्ता मध्य ट्वीट करी विरोध प्रकाश करिछन्ते एपरी नियम लागू हेले राज्य रे खेलर विकास हेबा तो दूरर कथा बरम खेलाड़ी निश्चित राज्य छाड़ी बाहर राज्य को पलाइबे बोली से उल्लेख करिछन्ते सेहिपरी महिला कुश्ती खेलाड़ी बबिता फोगट मध्य असंतोष जाहिर करिछन्ते खिलाड़ी जो सरकार है वो खिलाड़ी को सपोर्ट करने वाली पॉलिसी बनाती है और कि खिलाड़ी डेवलप हो खेल डेवलप हो तो ये पहली बार मैंने को भी बड़ा अजीब सा लगा कि किस तरीके की ये पॉलिसी बनाई है तो मैं आपके माध्यम से
सरकार को बस यही कहना चाहूँगा कि इस पॉलिसी को दोबारा से आप देखें और इस पर रिव्यू करें, क्योंकि आप देखोगे कि खिलाड़ी जो है सभी मध्यम परिवार से हैं। ऐसे बेतुकी नीति और बेतुकी जो कानून लागू कर रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। या तो खेमका जी की कोई पर्सनली किसी प्लेयर से कोई दुश्मनी है, या फिर उनकी कोई सरकार से कोई दुश्मनी है जो वो खुंदक निकाल रहे हैं अपनी और सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हरियाणा सरकार को क्रीड़ा विभाग जारी करथिबा एहि निर्देश अनुसार प्रोफेशनल खेलाड़ी को आयर 33% अर्थ नहीं राज्य रे अन्य खेल और खेलाड़ी को विकास करा जिवो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। गोटे परे गोटे ओडुआ रत्नभंडार चाबी झमेलारू मुकुले नहंते राज्य सरकार सुप्रीमकोर्टरू आसिलाणी कड़ा तागिद। एथर सर्वोच्च अदालत देखाई कठोर आभिमुख्य, बारंबार श्रीमंदिर नीति विभ्राट आ भक्त माने हैरान होतबारु क्षोभ प्रकाश करिछंती। ए बाबदरे राज्य सरकार आसंता 30 तारीख सुधा सत्यपाठ दाखल करंतु बोली कोर्ट कर पक्षरु जारी होईछि नोटिस। एथिसहित दुई दुईटी कमिटी गठन करी समस्या समाधान दिगरे पदक्षेप नेबा पई कोर्ट कहिछंती। आईएनजीबी मृणालिनी पाढ़ींकर पक्षरु आगत जनस्वार्थ मामलार शुणाणी करी एभळे को निर्देश दैछंती कोर्ट। अदालतकर निर्देश को स्वागत करिछंती सेवायत। ତିନି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଝମେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରକୁ ଆସିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥର ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଥିବାରୁ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏଥିସହ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍‌ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିକୁ ଦେଉଥିବା ଦାନର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଦାନ ଅର୍ଥ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ସରକାର ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏସବୁର ତଦାରଖ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଗୋପାଳ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କୁ ଏମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଲାର୍ଜର ଇସ୍ୟୁଟା ଡିଲ୍ କରିବ ଆଜ୍ ଟୁ ଯେମିତିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ହାସଲ ଫ୍ରି ଆକ୍ସେସ୍ ମିଳୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ଅଫରିଂ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମଝିରେ କିଏ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଟେମ୍ପଲ ପହଞ୍ଚୁ। ଗୋପାଳ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବାଉଣ୍ଡ ବାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏମାନେ କରିବେ, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସଜେସନ୍ ବି ଦେବେ ତାକି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ଲି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରୋକ୍ଷରେ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଟ ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ କଠୋର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅଦାଲତଙ୍କ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବେ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ନୀତି ଓ ସେବା ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଭାବେ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକର ବିଫଳତାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାବି ଥିଲା, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଦନ୍ତରେ ଆମର ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ। ନିକଟରେ ପାଳିଆ ସେବାୟତଙ୍କ ନୀତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅମଣ ହିଁ ପ୍ରସାଦକୁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ସେବାୟତ। ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଧରି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ବାହାରି ନଥିଲା ମହାପ୍ରସାଦ, ସେବାୟତଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ନାକେଦମ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେବାୟତଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏସବୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲିପିକା ମହାନ୍ତ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଥବିର ସାମଲ ଏବଂ ପୁରୀରୁ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ଟାର୍ଗେଟ, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 4 ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ରଖିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ହେଲେ 5,499 କିଲୋମିଟର ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛି ବିଜେଡି। 2015ରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଦଳ ଆଣିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। 2015ରୁ ଗୋପାଳପୁର ଦୀଘା ରାଜପଥ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟର ଦାବି ହିସାବରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନା ନାହିଁ, ଶିଳ୍ପ କରିଡରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ, ମହାନଦୀ ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବେଆଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ କରିବେ କି, ଏବଂ ତେଲ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେବେ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 8ଟି ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, 23ଟି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ଏବଂ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେଡି।
ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି ଯେଉଁ 5,449 କିଲୋମିଟର 4 ବର୍ଷରେ ରାଜପଥ ତିଆରି ସରିଛି, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଫିଗର ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବୁ ୱିଥ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଗର। ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲକୁ ଯାଏ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତହବିଲକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ଯେଉଁ ଦେଉଛ ଆମଠୁ ଅଧିକା ନେଇକି କମ୍ ଦେଉଛ ନା କମ୍ ନେଇକି ଅଧିକା ଦେଉଛ, ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଟିକିଏ ମାନନୀୟ ତେଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଟିକିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପିକ୍ଚର କ୍ଲିୟର ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ରେଜଲ୍ଟ। ଦିନ 10:30 କାଉନ୍ସିଲ ପରିସରରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଫଳ ଘୋଷଣା କରିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ସିଏଚ୍ଏସ୍ର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ chseodisha.nic.in odisharesults.nic.inରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ରେଜଲ୍ଟ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳାରେ 2,34,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟରେ 27,500 ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ 8,200 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। ଏ ଫଳ 10:30 ପରିଷଦ ପରିସରରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ 2 ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ୱେବସାଇଟ୍ 2 ହେଲା chseodisha.nic.in, ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଲା odisharesults.nic.in। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉଭୟ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ। ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରୟାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଳିଙ୍ଗ ଲିଟ୍ରେସି ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି କଳିଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ। ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ସାହିତ୍ୟକାରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏ ମହୋତ୍ସବ। ଏଥିରେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, କଳାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏ ଅବସରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକାର ଆମେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।